एनएचएम कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन में लगभग 1500 कर्मचारी पिछले 15 से 20 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन आज तक किसी भी सरकार ने ना तो इनके लिए नियमित करने की कोई नीति बनाई है, ना ही रेगुलर पे स्केल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि 30 मई 2020 को प्रदेश स्वास्थ्य समिति की बैठक होना तय हुआ है। बैठक में संघ मुख्यमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता है कि जिस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान की कार्य समिति की बैठक में कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल का प्रस्ताव पारित करके लाभ प्रदान किया गया था, यहाँ तो गवर्निंग काउंसिल की बैठक है, इसमें एनएचएम कर्मचारियों की मांग को पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी रेगुलर पे स्केल की मांग को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, मिशन के डायरेक्टर व सरकार के अन्य नुमाइंदों से लगभग 100 बार मिल चुके हैं, लेकिन आज तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि 15 से 20 साल अनुबंध की नौकरी करने के बाद रेगुलर पे स्केल मांगना उनका हक बनता है। इतने वर्षों बाद भी एनएचएम कर्मचारी बहुत कम वेतन में काम करने पर मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि उनके कई कर्मचारी उम्र का 55 से 50 वर्ष पूरा कर चुके हैं। आज कोरोना के संकट में ये कर्मचारी प्रथम पंक्ति में खड़े होकर कोरोना से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर रहे हैं। उन्होंने प्रदेश सरकार से वर्ष में 30 दिन के अर्न लीव दिए जाने, मेडिकल रीएम्बर्समेंट दिए जाने, मृत्यु होने पर 5 लाख का मुआवजा देने और सेवानिवृत्ति की आयु 65 करने की मांग भी की। कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी जो रेगुलर पे स्केल की मांग कर रहे हैं वो पूर्णतया जायज है, क्योंकि इससे पहले भी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, इनके कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल प्रदान कर चुकी है। वर्ष 2016 में मार्च के महीने में एक नोटिफिकेशन जारी हुई जिसमें कहा गया कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा। इस नोटिफिकेशन के आधार पर रोगी कल्याण समिति, IGMC शिमला, मेडिकल कॉलेज नाहन, मेडिकल कॉलेज टांडा, इनके रोगी कल्याण समिति के कर्मचारियों को जिन्होंने 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया था उनको रेगुलर पे स्केल प्रदान कर दिया गया। लेकिन जिन कर्मचारियों के लिए ये नोटिफिकेशन हुई वो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी आज भी अछूते हैं, उन्हें रेगुलर पे स्केल प्रदान नहीं किया गया, तकनीकी कारणों के कारण उसको उलझा के रखा गया और आज तक कर्मचारी महरूम है रेगुलर पे स्केल से। यहां एक और बात ध्यान देने योग्य है कि प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्राम रोजगार सेवकों को और पैरा पीटीए टीचर्स को रेगुलर पे स्केल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री जी, नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी पूरी कर्मठता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक जेन्युइन डिमांड को नजरअंदाज किया जा रहा है। आपकी नजरें इनायत कब होंगी? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी आज भी रेगुलर पे स्केल के लिए बार बार आपके पास आते हैं, बार बार दौड़े हुए हैं, हर बार आप आश्वासन देते हैं, अब आश्वासन नहीं, अब आप ठोस निर्णय लीजिए और नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को जिस प्रकार से आपने सभी वर्गों का ध्यान रखा है, सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ आपने अच्छा किया है, उसी तर्ज पर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों को भी आप रेगुलर पे स्केल प्रदान करें। हमें अन्य सुविधाओं से भी वंचित रखा गया है। हम मांग करते हैं कि आप हमें रेगुलर पे स्केल प्रदान करें। इसके लिए यदि प्रदेश सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है तो नेशनल हेल्थ मिशन के फंड से ही इसकी व्यवस्था की जा सकती है। बहुत कम कम कर्मचारी नेशनल हेल्थ मिशन में हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत हैं, तो जो प्रदेश सरकार का 10% कंटीजेंसी फंड नेशनल हेल्थ मिशन में मिलता है उस